इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यूपी चुनाव को लेकर कानपुर से एक वीडियो सामने आया है। हम आपको एक बड़ी खबर बता दें, एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक बयान दिया गया है। मोदी योगी को जमीन में गाड़ देने का वीडियो वायरल हो रहा है, इस तरह की बात की गई है। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी का आपत्तिजनक बयान है जो वायरल हो रहा है। चुनाव अधिकारी ने वीडियो की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। अजय राय की सफाई इस पर सामने आई है, मतलब था जनता सरकार को हटाएगी। उन्होंने कहा कि जो कह रहे थे वो दरअसल ये कि जनता सरकार को सबक सिखाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी चुनाव को लेकर कानपुर से, एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पाकिस्तान बनाने की बात सुनाई दी समाजवादी पार्टी का यह दावा है। वीडियो एडिटेड है। इस वीडियो में एसपी उम्मीदवार के जनसंपर्क अभियान में नारे लगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि यह वीडियो एडिटेड वीडियो है। वीडियो में जो सुनाई दे रहा है उसमें नारे दिखाई दे रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में नारे लगाए गए, पाकिस्तान बनाने की बात की गई। हालांकि अब समाजवादी पार्टी इस पर सफाई दे रही है और कह ये रही है कि दरअसल ये वीडियो एडिटेड वीडियो है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सो मौजूद है। अभिषेक, ये वीडियो सामने आया है, इसमें नारे लगते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपकी पार्टी जरूर सफाई दे रही है, लेकिन इस तरह के वीडियो अगर सामने आएंगे तो किस तरह का माहौल बनेगा प्रदेश में और क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन है, वो किस लिए बैठा हुआ है, कार्रवाई करिए। कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे षड्यंत्रकारी हो सकता है? जनसंपर्क अभियान तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का था ये, तो बिल्कुल उसके बीच में कोई भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। जनसंपर्क अभियान है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हजारों आदमी है, तो उसमें बीच में घुसकर कुछ उपद्रवी इस तरह के नारेबाजी करने लगे। जवाब संक्षेप में देखिए सुमैरा जी, इसके पहले आगरा में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे, वो तो वीडियो प्रूफ हो चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता के खिलाफ या तमाम ये ऐसे नारे कोई भी व्यक्ति कैसे सपा के ही कार्यक्रम में लगाने की हिम्मत करता है? जरूर, चूंकि ये सॉफ्टनेस है इनके अंदर, इसीलिए उसकी हिम्मत पड़ती है। फिर ये मुद्दा बन जाता है और फिर ये चुनावी मुद्दा बन जाता है और फिर किसे फायदा पहुंचाता है, ये भी बड़े सवाल हैं जरूर। लेकिन क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी द्वारा। दावा उनका ये है कि ये एडिटेड वीडियो है, लेकिन देखना होगा कि ये वाकई एडिटेड वीडियो है या नहीं, किसने लगाए इस तरह के नारे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।